नमस्कार जी। तो मैं बनारस रेल इंजन कारखाने में हूँ और मेरे साथ महाप्रबंधक अंजलि गोयल जी हैं। अंजलि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपकी ऑनलाइन से बात करने के लिए। मेरे दो सवाल बड़ा है, डीजल से आप किस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक से, और पीछे भी इलेक्ट्रिक से जमीन एक दिन गाड़ी व्यक्ति है, मुझे पता है कि किस तरह शिफ्टिंग को कर रहे हैं आप यहाँ पर। 2016-17 में हुई, शुरू शुरू में दो लोग को बनाए, फिर वो सामान एक साल के लिए हम लोग लंदन से लेकर और यहाँ प्रोड्यूस किया, मैन्युफैक्चर किया। तो उसके बाद हम लोगों ने अपना सामान खुद खरीदना शुरू किया और पिछले साल हमने अपना रिकॉर्ड 275 लोकोमोटिव सर्विस कर दिया। ये शिफ्टिंग के दौरान काफी इंपॉर्टेंट काम किए गए, सारे डीजल फिक्चर को चेंज किया गया ताकि वो डीजल से इलेक्ट्रिक से अडेप्ट हो जाए, मशीनरी एंड ट्रांसपोर्ट को अडेप्ट किया, स्टाफ की ट्रेनिंग दी गई और वर्क स्टेशन बढ़ाए गए, एफिशिएंसी बढ़ाई गई ताकि यूनिट कॉस्ट भी कम हो जाए, समय जो लगता है लोगों को चलाने का वो भी कम हो जाए। 33 दिन से लोग 21 दिन से आ रहे हैं। टेस्टिंग की प्रैक्टिस कम्प्लीट किया, चेकलिस्ट बनाई ताकि स्टाफ सही काम करे, को बैटरी चेंज कर दिया, टू टाइट हो गया, करते करते अब हम सप्ताह रखते हैं 1 महीने तक 45 लोग बहुत एडवांस इंजन है। डीजल से इलेक्ट्रिक में शिफ्टिंग के दौरान हुई या इलेक्ट्रिक में? इलेक्ट्रिक में। शुरुआत में हमारी लोकोमोटिव जो ट्रेन की थी वो लगभग 13 करोड़ की बनी थी, तो 12 करोड़ की बनी थी, अब वो 10 करोड़ की बनी थी, और जो पैसेंजर की लोकोमोटिव थी जो 13 करोड़ की बनी थी अब वो 11 करोड़ की। जैसे मैम फसल एजेंट टेक्निक आप बता रहे हैं, इसकी ऑलमोस्ट कॉस्ट क्या होता होगा जब आप 10 करोड़ की? मैम जैसे कोरोना है, अब ओमिक्रॉन वेरिएंट आ रहा है, तो क्या काम पे असर पड़ता है खाते रेलवे को, आप सप्लाई करना होता है? अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो कुछ हद तक तो वो नहीं काम पे आएंगे, बट हम कोशिश यही कर रहे हैं कि सब अपना कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करें, उनको कोरोना ना हो। मगर एक दिक्कत यह आती है कि जो हमारे सप्लायर्स हैं उनकी सप्लाई चेन पर असर पड़ता है। जैसे इस बार भी जब कोरोना आया तो कई सप्लायर्स ने मांग करी कि हमारा डिलीवरी पीरियड बढ़ा दिया जाए, क्योंकि उनकी फैक्ट्रीज बंद हो गई थी कोरोना काल, उस हिसाब से हमारे काम पर असर। सर आपके ग्राहक कौन से होते हैं भारतीय रेलवे के अलावा? सारी की सारी भारतीय रेलवे खा जाती है। तो डीजल लोकोमोटिव हम बनाते हैं वो स्टील माइंस, पोर्ट्स, शिपयार्ड्स, पावर यूटिलिटीज, ऐसी जगह में जाती है या फिर एक्सपोर्ट। अभी यहाँ मैम डीजल ज्यादा इंजन बन रहे हैं या इलेक्ट्रिक इंजन बन रहे हैं? तो आप जैसे फ्यूचर आप लोगों का क्या पर्सपेक्ट है, इलेक्ट्रिक इंजन को ही आप पूरी तरह से बनाएंगे? देखिए हमारा मैंडेट तो मंत्रालय देता है, जैसे मंत्रालय कहता है हम उस हिसाब से बनाते हैं, अभी तो फिलहाल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ही बनाते हैं। इलेक्ट्रिक लोकोमोटर्स, तो ये थी अंजलि जी जो बता रही थी कि यहाँ इलेक्ट्रिक लोकोमोटर्स ही ज्यादा बनते हैं। एनवीटी ऑनलाइन के लिए सत्यकाम अभिषेक।